गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 की स्क्वायर्स क्यूब्स एंड देयर रूट्स। लास्ट डे हम लोगों ने कुछ स्क्वायर्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डायगोनल मेथड। ठीक है, क्या हम लोग कॉलम मेथड पढ़ चुके हैं, आज हम लोग जानेंगे कि डायगोनल मेथड क्या है। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फाइंड स्क्वायर ऑफ 46। हम लोग 46 का कॉलम मेथड से निकाल चुके हैं, अब हम लोग डायगोनल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, 46 में कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, 1 और 2। तो हम लोग क्या करेंगे, दो कॉलम और दो रो बनाएंगे। ठीक है, बन गया। अब इसको हम डायगोनली डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया, यहाँ 46 का निकालना है तो 4 और 6। अब हम लोग 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, तो 16। क्लियर है? अब क्या करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, 24। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36। ठीक है, मेरा टोटल डायगोनल जितना भी था वो फिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 46 इज इक्वल टू, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस डायगोनल से सबसे पहले क्या है, 6 है। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे इसको करेंगे, 4 + 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 4 = 8 9 10 11। ठीक है, ऐड किया यहाँ पे क्या हुआ, 11। 11 का क्या लिखेंगे हम लोग, 1। अब नेक्स्ट इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 2 + 6 + 2 क्या होगा, 6 + 2 = 8 + 2 = 10, और 1 जो इसका कैरी रहा यानी 10, और ये जो 1 रहा कैरी वो 1 है ना, 1 11। तो इसका भी 11 का 1 होगा। ठीक है, अब 1 फाइनली मेरा क्या बचा, ये 1 बचा, तो 1 और प्लस जो 1 कैरी रहा था, 1 1 2, तो 46 का स्क्वायर किया गया, 2 1 1 6। देन आप लोग क्या, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ यूजिंग डायगोनल मेथड। अब इसी डायगोनल मेथड को यूज कीजिएगा और 97 64 और 37 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैटर्न्स को देख करके हम लोग जान जाते हैं कि इसके आगे का स्क्वायर क्या होगा या इस टाइप का स्क्वायर क्या होगा। जैसे पहला, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, सिमिलर 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 111 का स्क्वायर करेंगे देन क्या होगा, 1 2 3 2 1। देखो ना, डिजिट्स क्या है, 2 डिजिट्स है, इसलिए 1 2, देन फिर रिवर्स कर गया 1। 3 डिजिट है, 1 1 1 3 है, तो 1 2 3 तक है, देन फिर डिक्रीज कर गया 2 1। अब अगर इस पैटर्न को देख करके हम नेक्स्ट नहीं बोल सकते कि 1 1 1 4 टाइम्स है, तो इसको क्या होगा, 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, और देन क्या करेगा, फिर डिक्रीज करेगा 3 2 1। ठीक है, इसी तरह हम लोग जान सकते हैं कि इसके आगे अगर 5 टाइम्स 1 रहेगा तब क्या होगा। तो ये क्या हो गया, पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि कुछ 2-3 पैटर्न को देख करके कि नेक्स्ट इसके आगे जो रहेगा उसका स्क्वायर क्या होगा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, 1 और 3, और उसमें 1 ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 3 1 3 और 1 4, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट है 3 × 5, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, देन हम फिर क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 के बाद क्या होगा, 5 × 7। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है लगातार, और उसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, जैसे 7 × 9 + 1। अब देखो 5 3 = 15 और 1 16 हो जाएगा, देन 16 किसका, 4 का स्क्वायर। अब 7 5 = 35 और 1 36, ये किसका है, 6 का स्क्वायर है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं 7 × 9 + 1 क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करते 9 3 + 1 64। इसी तरह अगर हमको 9 × 11 + 1 तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, इस पैटर्न को पढ़िए, समझिए, डायगोनल मेथड को जो होमवर्क दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे।